अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। मैं हूँ शब्बीर और चक्रागढ़ में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर यार गैस बिजली का काफी दिनों से पीछू चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने रोड बंद किया हुआ है पब्लिक ने। उनका ये डिमांड है कि भाई गैस बिजली और हमें पानी की सहूलत हो तो मेरा रोड खुलेंगे, रोड ब्लॉक हुआ है। और आए मजीद उनसे बात भी कर लेते हैं कि यार उनके क्या मुताबिकात हैं और हुकूमत उनको क्या बोल रही है। तो चले और वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आए मेरे साथ। ये रोड क्यों ब्लॉक किया हुआ है? लाइट की वजह से। कब से लाइट नहीं आ रही? ये की वजह से किस चीज़ का सबूत मिल रहा है आप? कब से लाइट नहीं आ रही? लाइट सुबह 10 बजे की गई थी, शाम को 6 बजे आई है, वो भी जब इतना 2 बजे तक। 2 बजे तक? रात को 2 बजे गई है, सुबह 5 बजे गई है। इनके घरों में भी एसी लाइट जाती है, इनके बच्चे एसी में पड़े रहे, दूसरे का बच्चा बाहर थल्ले पे सोता रहे। कमीज यार ये देखो, कमीज उतारी हुई यार, कब से इंसानियत नहीं है यार। ये पब्लिक कितना परेशान है यहाँ पर, ये चक्राकोट में यहाँ पर ना हम कितना परेशान है। गैस भी खुला दिया है, आगे तुम देखो यहाँ गैस नहीं है। अच्छा, रात हो जाए, चबूतरों पे सो रहे होते हैं। एसआई का बच्चा एसी में सो रहा है, एसएचओ का, पुलिस वालों का, सबका, जितने भी बड़े हैं सबका नाम ले रहा हूँ। चला रहे लोगों को ऊपर, बच्चे के ऊपर कहीं गोली लगी है? सही, बच्चे भूखे मर रहे घर के अंदर, सब 3 दिन से बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। कहाँ से बंदा अफोर्ड करेगा? गरीब बंदा अभी भी 4 फायर करके गए पुलिस वाले यार, एक ऊपर से फायर। बात तो करें लोगों के, पूछे तो 4 फायर सही, 3 मोबाइल है तो नहीं करे ना। नहीं, अभी मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि सुकून मिले, सब चीज लाइट नहीं है, इतने गर्मी के अंदर चाहिए। जैसे ये इस टाइम भी मौजूद में और यहाँ पर हालात बहुत स्थिति है, और अभी एक नंबर पे, और यहाँ पर रोड बंद हुआ है। तो इनसे हमने रिव्यू लिया, इनका सिर्फ ये कहना है कि यार पानी की और बिजली नहीं है हमारे काफी दिनों से, गैस नहीं आ रही है। पुलिस वाले ने 4 फायर किए, एक बच्चे को गोली लगी है, 4 फायर करिए स्टेट, एक बच्चे को गोली लगी है। अभी भी 4 फायर करिए, 3 मोबाइल आई थी पुलिस की, फिर आवाम ने पथराव करा तो वो यहाँ से भाग गए। एक बंदे को पकड़ा, उसको यार ये आग जल रही है, रोड ब्लॉक हुआ है, और यहाँ पर ये पाकिस्तान के भाई हालात हैं, और ये पाकिस्तान के हालात हैं यार। हम आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, और ये हुकूमत है कि ना है, छोटे बच्चे हैं, जवान बूढ़े बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं और सारे परेशान हुए हैं यहाँ पर, और बिजली इनकी 4-5 दिन से नहीं है, पानी भी नहीं है, तो ये सारे परेशान हैं। ऐसा ही है, कब से नहीं आ रही बिजली? 5-6 दिन हो गए, आज रात से बिजली आ रही नहीं, आती है 10 मिनट के लिए चली जाती है, और ये पुलिस वाले आए सरों पे मार के गए हमारे को, फायर करके गए, किसी को ना अल्लाह खास अलग जाए। प्यार से बैठ के बंदा बात करे इन्हों में ये नहीं है, हमें लाठी चार्ज कर रहे हैं, बंदा प्यार से किसी की सुनता नहीं है। ये क्या चंगे मुझसे फायरिंग की है, किसी को लग जाए बच्चे को, बच्चों को उठा के फेंकता है, चार्ज किए हैं, आ रहा है मुक्के मारे, डंडे मारे, इन्हों में इज्जत नहीं है, फायरिंग की है। हम फायरिंग पे उतरे तो हमने किसी, ये आवाम बहुत परेशान हो चुकी है भाई है, और हुकूमत नाअहली हो चुकी है, तो ये सारे परेशान हुए हैं, सब अपने अपने बोल रहे हैं यार बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, हमने इतना परेशानी है। रात का टाइम है और ये गर्मी का भाई मौसम चल रहा है, शदीद गर्मी चल रही है, और ये सारे भाई ये खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये रोड ब्लॉक हुआ हुआ है। इनका मुतालबा यही है कि भाई जब तक नहीं खुलेगा, जब तक गैस बिजली लाइट नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी, गैस नहीं, होटलों में जाओ होटलों में भड्डे हो रहे हैं। अभी मुतालबा क्या है, कब तक वो बोल रहे हैं, किसी से बात हुई है? बात हुई है, बोल रहे नहीं खोलेंगे, 10 बार आए हैं, 10 बार लड़के चले जाते हैं, वो होता है प्यार से बात करने वाला, वो हो रहा ही नहीं है। जो आता है लड़के चला जाता है, जो आता है लड़के चला जाता है, ऐसे होता है क्या? बच्चों को मार रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये गाड़ी यार। आगे की रोड ब्लॉक हुआ है, और यहाँ पर लोगों को ये शदीद है, चक्राकोट में भी यहाँ पर ये हालात देख रहे हैं, देखने से संगीन हालात। ये लोग भाई परेशान कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये रोड वगैरह ब्लॉक किए हुए हैं। हाँ, 6-7
छः सात दिन हो गए नहीं आ रही बिजली। अच्छा गैस भी नहीं है, गैस भी नहीं, पानी कड़वा आता है, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। ओए, ओए, अच्छा ये कौन सा इलाका है? चकरागोड़। चकरागोड़ में भाई इतना बड़ा जुल्म चल रहा है यार यहाँ पर, और गैस बिजली और ये सारे देख रहे हैं कि रोड ब्लॉक हुए हुए हैं, ये आग भी लगी हुई है, ये रोड ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा जब तक ये रोड नहीं खुलेगा जब तक लाइट और बिजली नहीं आएगी, लाइट नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए भाई को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लोगों के यार इतने मसले मसाइल हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, हुकूमत नाइली हो चुकी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।